All set to leave now. Plano. Okay. Toll 3:30 baj chuke subah ke. And I am out of the den. बताऊं चार बजे के करीब हम सब ऋषभ के घर मिलने वाले हैं तो हेडिंग टुवर्ड्स ऋषभ्स हाउस जनकपुरी दिल्ली वन शुड ऑलवेज बी केयरफुल अगर रोड गीला हो तो स्पीड बिल्कुल कम कर लें बिकॉज समटाइम्स इट हैपेंस कि रोड पर पानी की जगह तेल गिरा होता है सच केसेस यूजुअली हैपन ऑन NH1 दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बहुत होता है ऐसा वहाँ पे तो वहाँ टायर स्लिप होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं एंड द रिजल्ट्स कुड बी फैटल बाय बाय ठुल्लो आई एम गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप सो हियर दे आर प्रशांत ऋषभ सो प्रशांत इज राइडिंग एन एप्रिलिया SR150 एंड मेरे पीछे ऋषभ हेल वी राइडिंग RS200 पल्सर RS200 और मैं हूँ इस वेस्पा पे ये है नितेश द ग्रेट नितेश भैया हेलो भैया दूर से आया हूँ बट सबसे पहले पहुंचा हूं सबसे पहले वाओ सो टाइम इज 4:26 अर्ली मॉर्निंग एंड हम लोग खड़े हैं अभी हरिनगर डिपो पे एंड यहाँ से वी आर ऑल सेट टू लीव नाउ चलो भाई चलो तो गाइस प्रशांत चल रहा है सबसे आगे एंड उसके पीछे दिल्ली बाइकर ऋषभ उसके पीछे नितेश भैया एंड मैं सबसे पीछे तो गाइस जयपुर इज 250 किलोमीटर स्ट्रेट एकदम एंड लेट्स गो जयपुर 147 किलोमीटर एंड नीमराड़ा फोर्ट इज 4 किलोमीटर गाइस 6:30 बज चुके एंड वी आर एट नीमराड़ा तो गाइज ये वो होटल था होटल हाईवे प्रिंस जहाँ पर हम अभी हैं ब्रेकफास्ट कराया है यहाँ पे जयपुर 90 किलोमीटर है उस साइड एंड वी होप कि हम 1.5 hours में पहुँच जाएंगे उधर मेरे को रिफ्यूलिंग करानी है मेरे दो हैं मैंने राइडिंग अपनी वाटरप्रूफ पैंट्स पहन ली हैं बिकॉज आगे मौसम का कुछ नहीं पता क्या कैसा हो जाए इन केस अगर बारिश वगैरह होती है तो ओ भाई साहब तो ऐसे बहुत गंदे गंदे केसेस बनते हैं यार यहाँ पे आई डोंट थिंक अंदर बैठने वाला बचा होगा बैड पैच रोड खराब नाच बसंती नाच निकल गया यार ये तो GFR जैसी फीलिंग आ रही है मेरे को यहाँ
तो गाइस जयपुर में हम पहुंच चुके हैं एंड अभी हम अमेर फोर्ट जा रहे हैं, अमेर फोर्ट की तरफ। वो सुना है काफ़ी बढ़िया जगह है यहाँ पे। ओ भाई साहब खड्डे, तो वो देखते हैं वहाँ पर चलकर क्या होता है, कैसे क्या है, दिखाता हूँ आपको सब कुछ। हाथी दादा, और भी सारे हाथी दादा। तो हम जा रहे हैं ऊपर फोर्ट में। ये कैसे रोड है, we are here.